Assalamu alaikum and welcome back to my channel of being a mom. It's me Tayyaba Mirza. और जो लोग मुझे जानते हैं, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत सलाम, और जिन्होंने नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर हिट कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें. तो इट इज़ लाइक आफ्टर इफ्तार, कुक एंड क्लीन विद मी. और डेफिनेटली अपने इन लॉज के घर से आने के बाद डेली जाती हूँ मैं, विच इज़ इन द नेक्स्ट ब्लॉक, और हम सब साथ इफ्तार करते हैं. और वहाँ से आने के बाद देन आई हैव टू कुक डिनर, और क्लीनिंग करनी होती है मुझे सारी. तो आज जो लॉन्ड्री की थी वो सारे कपड़े ड्राई हो गए थे, उनको जो है वो मैं तय कर रही हूँ. और पहले भी मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने बताया है कि हाउ आई ऑर्गेनाइज माय गर्ल्स क्लोथ्स और हाउ आई ऑर्गेनाइज देयर हेयर एक्सेसरीज एट्सेट्रा. तो आप जाके प्लीज़ मेरे चैनल पर वो सारी वीडियोस देखें. यू विल लव माय चैनल एंड यू विल लाइक माय वीडियोस. तो अभी जल्दी 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 से आई एम जस्ट पाइलिंग अप द क्लोथ्स जल्दी जल्दी से, और क्योंकि टाइम नहीं होता. ऐसा लगता है इफ्तार के बाद कि आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गए हो और आपने बहुत सारा पानी पी लिया और आपसे बिल्कुल हिला जुला नहीं जा रहा होता, लेकिन फिर भी डेफिनेटली आपको काम करना पड़ता है. और मुझे लगता है कि इफ्तार के बाद काम करने के बाद आप काफ़ी हल्का फील करते हैं, और जितने भी आपको ट्रबल हो रही होती है कि आपने खा लिया है और बस अब नींद आ रही है या टायर्डनेस या फटीगनेस हो रही है, तो वर्कआउट करने के बाद या काम शाम करने के बाद जो है वो आप दोबारा से बहुत हल्का फुल्का फील कर रहे होते हैं. तो आई थिंक मेरे साथ तो होता है ऐसा, आप सबके साथ होता है या नहीं होता आई डोंट नो. तो साथ साथ जो है वो लॉन्ड्री हो रही थी, लेकिन मिशू जो है वो जंपिंग कर रही थी बेड पर, जिस तरह से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा पूरा कैमरा हिल रहा है, और जंपिंग करते 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 वो बेड से नीचे गिर गई थी. और मैं उनको बार बार कह रही थी कि मिशू डोंट जंप, ये देखें नीचे गिर गई वो. और जबकि उसको पता था कि वो कैमरे में नज़र आ रही हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं रोई माशाल्लाह माशाल्लाह से, और खड़ी हो गई. बहरहाल मैंने कैमरा रखा और उनको चेक किया कहीं उनको चोट वोट तो नहीं लग गई है. खैर शी वॉज़ एब्सोल्युटली फाइन. तो फिर बच्चे जो हैं वो इफ्तार में, मेरे बच्चे इतना नहीं खाते, ख़ास तौर पे मिशू इतना नहीं खाती. तो फिर मुझे कोई ना कोई चीज़ ऐसी बनानी होती है जो मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खा लें. तो अभी तो फ़िलहाल लॉन्ड्री से फारिग होने के बाद मैं बना रही हूँ उनके लिए मेयो फिल्ड पोटैटो कटलेट्स. तो ये बहुत आसान से हैं. मैंने 3-4 आलू लेके बॉईल करके मैश कर लिए, मेयोनीज ले ली मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून, और उसमें मैंने सॉल्ट और ब्लैक पेपर और थोड़ी सी, अगर आपके पास आपके बच्चे खाते हैं तो आप कोई भी ग्रीन वेजी ऐड कर सकते हैं, चाहे स्प्रिंग अनियन और जो भी कैप्सिकम वगैरह, ठीक है. तो वो ऐड कर लिया मैंने, और दो अंडे भी बॉईल किए हुए थे उनको भी मैंने चॉप कर लिया था, और मायोनीज फिर मैंने उसके अंदर मिक्स कर ली. तो ये बेसिकली एग सैलेड बन गया. एग सैलेड भी हम लोग बहुत शौक से खाते हैं, इवन के हम एग क्लब सैंडविच भी इसी तरह से बनता है, उसकी जो फिलिंग होती है, अगर आप इसको ब्रेड पे बिल्कुल फ्रेश सॉफ्ट ब्रेड हो उस पर स्प्रेड करके आप खाएँ, ओ हो मज़ा आ जाएगा. बटर डाल लें उसमें तो और ज़्यादा जो है वो टेस्टी हो जाएगा. और ये मेरी मॉम बना के देती थी जब भी मैं ट्रैवल कर रही होती थी यहाँ से वहाँ, तो वो मुझे लाजमी ये एग क्लब सैंडविचेस और मफिन्स देती थी. तो बिल्कुल मुझे अपने मॉम की याद आ गई. खैर अभी जो है सारी स्पाइसेस, इसमें गार्लिक पाउडर, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, नमक, और थोड़ा सा मैंने इसमें चिकन पाउडर ले लिया था, और थोड़ा सा फ्रेश मेड का क्रीम चीज़ एंड अनियन फ्लेवर होता है वो मैंने ऐड करके अच्छे से इसको मिक्स कर लिया था. तो अब फिलिंग भी रेडी हो गई, टोमेटो जो मैश हुए हुए थे वो भी रेडी हो गए. तो कोटिंग के लिए एग चाहिए होता है. एग में अगर आप पानी मिला लें और उसको फेंट लें तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे से झाग बन जाएगी. और ब्रेड क्रम्स आप ले लें, ठीक है. मैंने जो फिलिंग थी उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑरिगैनो भी ऐड कर लिया था. अगर आपके पास मिक्स हर्ब्स हैं आप वो ऐड कर लें, और अगर आपके पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो
आप बिल्कुल इसको सिंपल रहने दें, आप कुछ भी ऐड ना करें। तो इसमें कुछ मैंने क्रॉकेट्स बना लिए थे, कुछ मैंने बॉल्स की शेप्स बना ली थी। तो थोड़ा सा मैंने लेके पोटैटो मिक्सचर और उसको हाथ पे रखा पाम पे, और उसके अंदर मैंने जो एग सैंडविच सॉरी एग सैलेड जो था वो फिल किया, मेयो फिलिंग जो है मेरी। और फिर उसको मैंने दोबारा से थोड़ी सी और बैटर ऊपर रख कर, और पहले मैंने एक बॉल की शेप दे दी और फिर मैंने क्रॉकेट बना लिया इसका। तो आपकी मर्ज़ी, इट्स ऑल अप टू यू, आप कौन सी शेप देना चाहते हैं। वैसे इस फिलिंग के साथ दो ही शेप्स बहुत आसानी से बन सकती हैं, तीन शेप्स इनफैक्ट। एक तो आप क्रॉकेट बना सकते हैं, आप बॉल्स बना सकते हैं इनकी, या तो फिर आप जो कटलेस की पर्टिकुलर गोल शेप होती है आप वो बना के वो बना सकते हैं इसमें, ठीक है। बाकी हम इसके साथ ज़्यादा इस रेसिपी के साथ शेप्स के एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत इसको डील करना होता है, ठीक है। फिर आप एग वॉश करें और उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगाएं। ये ब्रेड क्रम्स भी जो हैं ये मैं लेफ्ट ओवर जो ब्रेड क्रस्ट होती है उससे बनाती हूँ, और मैंने प्रीवियस वीडियोस में बना के दिखाई है किस तरह से मैं घर पर बनाकर और फिर फ्रीज कर लेती हूँ। बहरहाल क्विकली जो है वो मैंने सारे क्रॉकेट्स और जो भी बॉल्स वगैरह बनाए थे उनको मैंने कोट कर लिया, और फिर इनको मैं हल्का सा शैलो फ्राई कर लूँगी। तो या जल्दी जल्दी से हो रहा होता है इफ्तार के बाद काम, क्योंकि मुझे लगता है कि टाइम जो है वो भागना शुरू हो जाता है, आप बिल्कुल पता ही नहीं चलते। 9-10 तो यूं ही बच जाते हैं इफ्तार के बाद ना। और ये भी होता है कि नमाज़ पढ़नी है, आपने थोड़ी सी इबादत भी करनी है, सफाई भी करनी है आपने, और कोई एक्स्ट्रा काम अगर आपने छेड़ा हुआ है तो वो भी आपको डेफिनेटली करना है पूरा, तो इस वजह से। अच्छा, फिर मैंने ऑयल जो है वो ज़्यादा नहीं लिया, इतना कि शैलो फ्राई हम कर लें। इसको हमने डीप फ्राई नहीं करना, इसको हमने शैलो फ्राई करना है, और इवनली हर साइड को हमने फ्राई करना है, ठीक है। तो ये बहुत ज़बरदस्त से अप टू यू कि आपने इसको डार्क कलर देना है या लाइट कलर देना है। तो मिस्टेकनली कुछ क्रॉकेट्स पे बॉल्स पे तो अच्छा सा कलर आ गया था, लेकिन कुछ पे थोड़ा डार्क हो गया था, लेकिन बच्चे जो हैं ओहो उन्होंने बड़ा इन्जॉय करके इसको खाया है। अच्छा जी, तो ये देखें अच्छा सा कलर आ गया है, ऑरेंजी सा कलर आ रहा था इस पर, गोल्डन भी नहीं कहेंगे, ऑरेंजिश टाइप का कलर आ रहा था इस पर, और बहुत मज़े के लग रहे थे। सबसे पहले मैंने चखा कि कैसा है, मज़े का है या नहीं है, लेकिन इट वाज लाइक डेफिनेटली अ यम, बहुत टेस्टी बने थे ये। तो इवनली देखें हर साइड को मैं फ्राई कर रही हूँ कि हर तरफ से ये पक जाएं। सब चीज़ें तो इस पर पकी भी हैं, लेकिन ऊपर जो हमने अंडे वाली कोटिंग लगाई है ब्रेड क्रम्स वाली, हमने बेसिकली उसको अच्छा सा पकाना है। उसको अगर आप अच्छे से फ्राई नहीं करेंगे तो फिर अंडे की एक स्मेल आएगी, जो कि मेरे बच्चे तो बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो ये खाएंगे ही नहीं अगर इसमें से अंडे की स्मेल आएगी, ठीक है। एग वाइट की जो, एग योक की जो आती है, कच्चे एग योक की। तो आप इसको डिश आउट कर लें किसी प्लेटर में, और फिर आप इसको सर्व करें अपने बच्चों को, जो जिस तरह भी आप चाहें आप सर्व कर सकते हैं। ये देखें जनाब कितने मज़े के ये तैयार हो गए हैं। ये इसका मैं कह रही थी थोड़ा सा मुझसे डार्क हो गया है, लेकिन ये है कि ये टेस्ट में बिल्कुल ठीक था। और बहुत से लोग डार्क पसंद करते हैं, बहुत से लोग लाइट गोल्डन पसंद करते हैं, तो अप टू यू आपने किस तरह से फ्राई करना है। ये देखें यम्मी सी फिलिंग कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और सिर्फ मैंने ये नहीं दिया था डिनर में, एक्चुअली मैं यही सोच रही थी कि क्या प्रॉपर डिनर दूँ मैं बच्चों को, और आई एम क्लीनिंग राइट नाउ तो कहाँ से बनाऊँ मैं सालन वालन। तो फिर मैंने खोला अपना फ्रीज़र और उसमें से निकाली चीज़ें। इट इज़ 9 o'clock और मिशी यहाँ बैठी हुई है गुस्से में, और आई एम मेकिंग सैंडविच फॉर द किड्स। स्क्रैच है, गिर गया आपसे गेले, सारा सैंडविच बनेगा इनका स्क्रैच से सैंडविच बना के। और मेरे पास क्या क्या पड़ा हुआ था मेरे पास वही एग सैलेड जो बचा था, और पिज़्ज़ा जो बनाए थे मैंने, आप जाके मेरी पिज़्ज़ा वाली वीडियो भी देखेगा, दो तरह के पिज़्ज़ा बनाए थे मैंने, एक तो प्रॉपर जो सही पिज़्ज़ा होता है, और एक मैंने बनाया था 2 ingredient पिज़्ज़ा डो वाला पिज़्ज़ा, वो भी बहुत ज़बरदस्त बना था, वो था मेरे पास लेफ्ट ओवर में। और चिकन विंग्स बनाए थे मैंने, वो पड़े हुए थे।
ये सब चीज़ें थी, तो इनको मैंने असेंबल करके ब्रेड के अंदर सैंडविच बना दिया था गर्ल्स को। और फिर फ्रूट साथ में क्या दूँ, तो मेरे पास पीच पड़े हुए थे, मैंने पीच कट कर लिए, और मैंगो था मैंगो कट कर लिया मैंने, तो एक पीच एंड मैंगो सैलेड हो गया साथ में। इट वॉज लाइक अ फुल एंड अ परफेक्ट मील, तो ये ज़बरदस्त सा काम हो गया था। अच्छा, ये जो क्रॉकेट्स बनाए थे हमने, इसको आप ये है कि फ्रीज़ भी कर सकते हैं, मेक एंड फ्रीज़ वाली है कि आपने बना के रख दी है बच्चों के लिए, और जब भी बच्चे मांगें आप निकाल के और माइक्रोवेव में गर्म करके, या अगर माइक्रोवेव नहीं है तो पैन वैन में गर्म करके आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो ये इंस्टेंट सा बच्चों का मेरा डिनर था, विच वॉज लाइक फ्रॉम स्क्रैच, सारा स्क्रैच से ही बना था, और उप्स नीचे गिर गया। बहरहाल थोड़ी सी मुझे लग रहा था कि मैंगो फीके से हैं, तो फिर मैंने इसमें ऐड कर ली थी शुगर, ठीक है। तो ये हो गया, एक एक सैंडविच मैंने इनको दे दिया, साथ में पीच एंड मैंगो फ्रूट सैलेड हो गया, और एक पोर्शन में मैंने इनको चिकन विंग दे दिया, और साथ में जो मैंने बॉल्स बनाए थे मेयो फिल्ड पोटैटो बॉल्स, वो मैंने इनको ऐड करके दे दिए। तो साथ में जूसेस नहीं देने मैंने इनको, मैं इनको सिर्फ कैचअप दे दूँगी और पानी का एक गिलास दे दूँगी कि डैट्स इट, क्योंकि इफ्तार में बच्चे कुछ नहीं खाते, सिर्फ जूस ही पीते हैं, तो यही गंदी बातें हो रही होती हैं। और मिशी को मैं कन्वेंस कर रही थी कि अभी तो आप भूख 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 कर रहे थे और अभी आप आ नहीं रहे हो खाना खाने के लिए, तो शी वाज सेइंग कि मामा मैं आ रही हूँ, मैं अपने ब्लॉग्स डन कर लूँ तो मैं आती हूँ। तो माशाल्लाह से दे लव देयर डिनर, और उन्होंने मज़े से खा लिया था। और जनाब फिर बेडशीट चेंज करनी थी, और ये ट्रांसफॉर्मेशन करने की मैंने कोशिश की, बहुत हद तक सही हो गई। बेडशीट्स को मैं चेंज कर देती हूँ हर तीन दिन बाद, डेफिनेटली बहुत हुआ तो 4 दिन बाद मैं उनको चेंज कर लेती हूँ। और उसके बाद जो है वो डस्टिंग करनी होती है मुझे। डस्टिंग में मैं, क्योंकि मेरा ओक का है फर्नीचर, तो इस पर हम कोई गीला कपड़ा या कोई इस तरह की चीज़ नहीं यूज़ कर सकते, तो मेरे पास वुड क्लीनर है या वुड पॉलिश जिसको बोलते हैं प्लच का, मैं वो स्प्रे करके और उससे अपने जो भी फर्नीचर है, बेड का क्राउन हो गया, ड्रेसिंग हो गई, साइड टेबल्स हो गए, और मेरा सोफ़ा वगैरह हो गया, मैं सारा उसी से ही नीट करती हूँ। तो ये मुझे लग रहा था कि अंधेरा हो रहा है, वैसे ही रात हो रही थी, तो आफ्टर डार्क क्लीन है ये, तो सफाई करते करते आप यकीन माने मुझे 2-2.5 बज जाते हैं। बहुत टाइम लग जाता है क्लीनिंग में डेफिनेटली, और जबकि डीप क्लीनिंग नहीं थी, और डीप क्लीनिंग जिस दिन हो तो फिर सहरी के बाद ही, फजर के बाद ही सोया जाता है। बहरहाल ये सब चीज़ें मैंने साफ़ कर ली, डस्ट इनको डस्ट ऑफ कर लिया। और हमारे इस एरिया में मसला ये है कि कंस्ट्रक्शन होती रहती है और मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है, तो रोज़ आपको दिन में 2 दफ़ा तो करनी ही पड़ती है। तो आई वॉज लाइक टोटली टायर्ड, और मैंने अपने फुल जो है वो मासी वाले हुलिये में आ गई कि बस बहुत हुआ, और जल्दी जल्दी से मैं स्टोव भी क्लीन करना था मुझे, मुझसे थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा मैस हो गया था, तो मैंने कहा ये भी जल्दी जल्दी क्लीन कर लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये आदत है कि किचन को गंदा नहीं छोड़ के सोते, किचन पूरा नीट एंड क्लीन करके ही सोती हूँ, वरना आप यकीन माने कि मुझे सुकून नहीं आता। तो बहरहाल अच्छा, मेरे बर्नर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गए हैं, और ये साफ़ भी नहीं होते किसी चीज़ से। अगर आपको पता है कि बर्नर्स को किस तरह से नीट किया जा सकता है कि ये वापस से वैसे ही चमकते धमकते से हो जाएं, तो आप मेरे साथ बिल्कुल शेयर करिएगा। और स्टोव्स वगैरह क्लीन करने के बाद मैं जो भी मैंने डिशेस वगैरह क्लीन की होती हैं और ड्राई हो जाती हैं, उनको निकाल के मैं उनकी जो भी डेजिग्नेटेड स्पेसेस हैं, प्लेसेस हैं, वहाँ पर इनको मैं रख देती हूँ, ताकि
जो है वो मेरे पास जगह बनती जाए, और आखिर में ये बच्चों ने जो दूध वूध पिया था उसके कप वगैरह रह गए थे, तो मैं ये भी वॉश करके सोती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आप नाश्ते के लिए या सहरी के लिए उठो और इतने सारे बर्तन पड़े हुए हों या आपका किचन जो है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ हो। तो आखिर में क्योंकि कबर्ड्स को ओपन और क्लोज़ करने की वजह से जो हैंडल्स होते हैं वहाँ पर निशान आ जाते हैं हार्श वाटर की वजह से, तो इसलिए एंड में मैं स्प्रे कर इनको अच्छा सा साफ़ कर लेती हूँ टावल से। तो ये होती है आफ्टर डार्क या आफ्टर स्टार मेरी कुक एंड क्लीन रूटीन, और इंशाल्लाह आपको ये पसंद आएगी। आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।